प्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बच्चे अपने अपने परिवार के साथ स्वस्थ, सुरक्षित और खुश होंगे। प्यारे बच्चों, आप सबका हिंदी की कक्षा में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, मैम आज आपके लिए फिर से एक कहानी लेके आए हैं। आपको कहानी सुननी है तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज की कहानी एक लड़की की है और उसका नाम था गुंजन। क्या नाम था लड़की का? गुंजन। बच्चों, ये है गुंजन। क्या नाम है इस लड़की का? गुंजन। और गुंजन के पास एक गुड़िया थी। गुंजन के पास क्या था? गुड़िया थी। और आपको पता है गुंजन कहाँ रहती थी? गुंजन रहती थी गुजरात में। गुजरात। गुंजन कहाँ रहती थी? गुजरात में। और गुंजन को गुलाब का फूल बहुत पसंद था, इसीलिए गुंजन ने अपने घर में एक गमले में गुलाब का पौधा लगा रखा था। क्या लगा रखा था? गुलाब का पौधा। और पता है कौन से रंग का गुलाब लगाया था? गुलाबी रंग का। कौन से रंग का? गुलाबी रंग का। तो बच्चों, एक दिन क्या हुआ, गुंजन के घर में पानी खत्म हो गया। तो गुंजन ने क्या किया, अपनी गागर उठाई। क्या उठाया? अपनी गागर उठाई और पानी लेने चल पड़ी। रास्ते में गुंजन ने क्या देखा? एक गधा। क्या देखा? गधा। तो थोड़ी आगे और गुंजन जब गई तो उसने देखा ये सुंदर सुंदर खेत था और उसमें लाल लाल रसीली गाजर लगी हुई थी। क्या लगा था बच्चों? गाजर। क्या लगा था? गाजर। गुंजन को गाजर बहुत पसंद थी। तो गुंजन ने क्या किया, एक गाजर उखाड़ी, उसको धोया और बड़े मजे से खाया। बच्चों, आप भी कोई भी सब्जी, कोई भी फल बिना धोए कभी मत खाना। हमें हमेशा सब्जियां फल धो के खाने चाहिए। जैसे ही गुंजन थोड़ी और आगे गई, तालाब के पास पहुंची, उसने देखा वहां पर गन्ने का खेत था और उसमें बहुत सारे गन्ने लगे हुए थे। गुंजन ने अपनी गागर में पानी भरा और एक गन्ना तोड़ा और गागर उठा के गन्ना चूसते चूसते गुंजन घर वापस आ गई। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप सबने इसमें कौन कौन से शब्द सुने? गुंजन, गुजरात, गमला, गुलाब, गुलाबी, गागर, गधा, गाजर, गन्ना। तो बच्चों, ये सारे शब्द कौन से ध्वनि से आ रहे हैं पता आपको? इसकी ध्वनि कौन सी है? ये सारे शब्द ग। कौन सी ध्वनि आ रही है? ग। और ये कौन से अक्षर से शुरू होते हैं सारे शब्द? ग अक्षर से। चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ अक्षर घ। बच्चे, ये है अक्षर ग। ग, ग। आपको क्या करना है, ग को की ध्वनि निकालने के लिए आपको अपने जीभ को अपने तालू के साथ टच करके अपने गले पर जोर देते हुए इसकी ध्वनि निकालनी है। तथा आपने क्या करना है, इन सभी शब्दों को याद करना है, अच्छे से दोहराना है और अपना वीडियो बना के हमें सेंड करना है। अभी अगले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी अक्षर ग कैसे लिखना है। तो बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।